आज की इस वीडियो में हम ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। सीएस वीडियो के एग्जाम में, इन सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछा गया है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एक करके हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन। मतलब गामा फंक्शन के टर्म में हमें इसको सॉल्व करना है। तो जब हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं, ये है इंटीग्रेशन जीरो टू फर्स्ट एंड डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स टू दी पावर फोर। अब हमें यहाँ पे एक्स टू दी पावर फोर है, ये चीज देख के हमारे दिमाग में क्या चलता है कि ऐसा तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम, ऐसा तो कोई हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है जो कि वन माइनस एक्स टू दी पावर फोर हो। उसके बाद एक चीज और हमें यहाँ पे समझ में आता है कि अगर हमारे पास एक्स बाई फोर है तो उसको हम फोर से टू में कर सकते हैं, कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना। तो ये चीज हमारे समझ में आ जाता है कि अगर हम एक्स के जगह पे कुछ अदर चीज पुट कर दे, राइट, ये चीज आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। और जब हम एक्स स्क्वायर को, सपोज कि एक्स स्क्वायर को अगर हम साइन थीटा सपोज कर ले, तो हम एक्स टू द पावर फोर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज मैं बोल रहा हूँ, और एक्स के जगह पे जब एक्स स्क्वायर के जगह पे साइन थीटा है तो एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, साइन के पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर हम डीएक्स का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा वन बाई टू साइन टू द पावर माइनस हाफ थीटा और कोस थीटा डी थीटा। अब हम यहां से अगर इसका वैल्यू अगर देखे, अगर लिमिट का वैल्यू यहाँ पे अगर चेंज करना चाहें, तो जब लिमिट का वैल्यू एक्स के टर्म में जीरो होगा उसी समय थीटा के टर्म में कितना होगा, थीटा के टर्म में भी जीरो होगा। क्योंकि जब हम यहाँ पे एक्स के जगह पे जीरो रखेंगे तो साइन में जीरो वैल्यू होता है साइन जीरो का, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू भी जीरो होगा। अब हम यहां से जब हम एक्स का वैल्यू कितना वन रखेंगे तब हमारे पास थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई टू, क्योंकि साइन में वन का वैल्यू होता है साइन 90 डिग्री पाई बाई टू का, और इस तरीके से थीटा का वैल्यू पाई बाई टू हो गया। तो यहाँ पे हमने लिमिट भी चेंज कर लिया, यहाँ पे ये जो हमारे पास फॉर्म आ रहा था, ये जो इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इसका भी सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल गया। तो बेसिकली हमने दो काम कर लिया है। अब यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू हो जाता है, और डीएक्स के जगह पे यहाँ हम कितना रखेंगे, ये हमारे पास वन बाई टू साइन टू द पावर माइनस हाफ थीटा और कोस थीटा डी थीटा हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अंदर में, तो ये हमारे पास वन माइनस, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू साइन थीटा था तो एक्स के पावर फोर का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से हमारे पास क्या हो गया, ये तो मैजिक ही हो गया। जो हमें इतना टेंशन दे रहा था कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो बेसिकली एक दो स्टेप में ही ये नॉर्मल हो गया। मतलब कि यू की यहाँ पे हम कोस थीटा लिख देंगे। अब ये कोस को कोस से कैंसिल करते हैं और ये हमारे पास बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, और ये हम साइन माइनस हाफ थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला फिर से हमें नहीं है, फिर से ऐसा दिख रहा है कि हम कहीं फंस गए हैं, राइट। तो अब हम फंसे नहीं, ऐसा हम अगर इसको दिखाएं कि हम यहाँ पे अभी फंसे नहीं हैं, हम इसको भी आगे अगर सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक फॉर्मूला हमें पता है जो कि आज इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूला है, बट उसमें भी हमें साइन और कोस दोनों के टर्म में चाहिए। तो क्यों ना हम यहाँ पे जो हमारे पास ये है, ये केवल अभी साइन के टर्म में है, तो इसको क्यों ना हम कोस के टर्म में भी कर दे। तो जब हम इसको कोस के टर्म में करेंगे तो हम इसको कोस के पावर जीरो भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। जीरो क्यों लिखे, क्योंकि इसका वैल्यू भी वन होता है और हमारे पास वैल्यू जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन हम इसको आगे फिर सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम इसको अगर हम आगे सॉल्व करना चाहते तो अभी हमारे पास कितना है, वन बाई टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू एंड साइन टू द पावर माइनस हाफ थीटा एंड कोस टू द पावर जीरो थीटा डी थीटा। अब ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला तो गामा पी प्लस वन बाई टू मतलब माइनस हाफ प्लस वन बाई टू, फिर गामा क्यू प्लस वन बाई टू मतलब जीरो प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, और ये वन बाई टू पहले से है, टू गामा पी प्लस क्यू प्लस टू बाई टू। और यहां से अगर हम देखें तो ये वन बाई टू तो है ही, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास गामा वन बाई फोर हो जाएगा, और यहाँ गामा वन बाई टू होगा, और नीचे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टू गामा थ्री बाई फोर हो जाएगा। यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इसका वैल्यू पाई हो जाएगा, और ये जब पाई है तो इसका वैल्यू अगर हम देखें तो ये पाई और ये दोनों मल्टीप्लाई होके बाई फोर हो जाएगा, और यहाँ पे ये बच गया हमारे पास
और नीचे में क्या बचा, गामा 3/4। तो ये हमारे पास आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। हमारे पास अभी दो क्वेश्चन था, जो कि ये पहला क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे थे, मतलब कि ये जो पहला क्वेश्चन था ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास मिल गया है। इसका हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे इस तरीके से ये हमारे पास आ गया, पाई अंडर रूट पाई बाई फोर गामा 1/4 डिवाइडेड बाई गामा 3/4। अब हम चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 to ∞ e^(-bx)2। तो जब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आते हैं तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 to ∞ होता है और यहाँ पे ये -bx^2 dx। अब यहाँ पे हम कुछ और काम कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे a है a^(-b), तो इसको क्यों ना हम कुछ अलग वे में देखें। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं e^(-b) लोगे, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log a^(-b) और ये इससे 1 हो जाता वैल्यू और ये फिर से हमारे पास a^(-b) हो जाएगा। मतलब कि इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, बात बराबर है। तो क्यों ना हम इसको इस तरीके से लिखने के बजाय हम इसको इस तरीके से लिख दें, और जब हम इस तरीके से इसको लिखेंगे तो हमारे पास फिर बहुत ही इजी वे में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम लिख के देखते हैं। तो ये हमारे पास लिमिट उतना ही रहेगा 0 to ∞, बस यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, बी लोग ए हो जाएगा और x^2 का x^2 ही रहेगा। अब हम यहाँ पे कुछ और ट्रिग्राम करते हैं। जो हमारे पास बी लोग ए है इसको क्यों ना हम, और x^2 है इसको क्यों ना हम टी पुट कर लें। तो जब हम इसको टी पुट करेंगे, ये तो बी लोग ए हमारे पास अभी क्या है, कॉन्स्टेंट है, और इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा dx और यहाँ पे dt। तो यहां से अगर हम dx का वैल्यू निकालना चाहें तो dx का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा dt/b log a और यहाँ पे 2x। अब यहाँ पे लिमिट भी तो हमें चेंज करना होगा। तो जब हमारे पास लिमिट, यहां से सबसे पहले हम लिमिट को चेंज करने से पहले काम कर लेते हैं कि x जो हमारे पास है x^2 है, यहां से हमें आगे x^2 का वैल्यू का भी यूज होगा, इसलिए हम अभी ही x^2 का वैल्यू यहां पे निकाल लेते हैं। तो जब हम x^2 का वैल्यू यहां पे निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा t/b log a, और यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा सारा अंडर रूट में, मतलब t^(½)/√b log a। तो इस तरीके से हमारे पास x का भी वैल्यू आ गया और x^2 का भी वैल्यू आ गया, ठीक है। तो जब हमारे पास x का वैल्यू, x^2 का वैल्यू आ गया, तो अब हम इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमारे पास लिमिट तो सेम रहेगा 0 to ∞, e^(-) हो जाएगा और इतने के जगह पे हमने क्या रखा है, इतने के जगह पे हमने t रखा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। और dx के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, dt/b log a(2x), और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। तो अब हमारे पास ये जो x है, इस x के जगह पे भी तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास x का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है। तो इसको हम क्यों ना ऐसे कर दे कि ये हमारे पास हो जाएगा t^(½), ये -½ हो जाएगा क्योंकि ये बटे में जाएगा, और ये फिर बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √b log a, और यहाँ पहले से हमारे पास 2 है, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे ये हमारे पास 1/γ में हो जाएगा और बटे में ये जो 2b log a है, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो हमारे पास √π होता है, और नीचे का वैल्यू हमारे पास ये b log a बचा। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हमारे पास आ गया है। तो आज हमने दो क्वेश्चन देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये था और सेकंड क्वेश्चन ये था, जिसका भी हमने वैल्यू निकाला, जिसका आंसर अभी हम निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से आज का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर से हम कुछ और क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए सी ए गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।